नमस्कार, आपके अपनी YouTube चैनल AK4 Academy में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मेधावी छात्र योजना मिलने वाली है वह किन किन बच्चों को मिलेगी, यानी पिछले साल वाले वर्ष बच्चों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 2020-21 में जो पास किए उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और CBSE के स्टूडेंटों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पूरे डिटेल से वर्णन करेंगे। और कल छुट्टी, स्कूल में छुट्टी रहेगी कि नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल से वर्णन करेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। यह लोक शिक्षा मंडल संचालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, 28 सितंबर को यह जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारा विषय क्या रहेगा, 30 सितंबर 2022 को आयोजित मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का प्रसारण, यानी दोस्तों आपको प्रसारण होगा, तो यानी कल स्कूल जाना है कि नहीं। दिनांक 30 सितंबर 2022 को मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के समस्त शिक्षकों एवं स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सीधे संबोधित किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण 12 बजे से 1 बजे तक NIC के वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया हुआ है तक, तथा विमर्श पोर्टल यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश में समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को देखने के लिए विद्यालय में बड़े कक्ष अथवा ऑडिटोरियम में LCD TV एवं प्रोजेक्टर द्वारा संचालित कराया जाएगा। अधिक छात्र संख्या में स्कूल में एम्पलीफायर एवं स्पीकर की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों हम बता दें कि कल स्कूल लगेगा और कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए मेधावी जो सम्मान समारोह रहेगा उसे बड़े ही प्रोजेक्टर में दिखाया जाएगा सभी के सभी स्कूल में। 12 बजे से 1:30 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा। कार्यक्रम के समापन के उपरांत अपराह्न 3 बजे तक विमर्श पोर्टल में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या एंट्री तथा कार्यक्रम में 2 फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। जी दोस्तों, आपके फोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं CBSE के छात्रों को लैपटॉप मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों हम बता दें कि पिछले साल के जो बच्चे हैं 2020-21 में जो बच्चे पास किए हैं उनको भी इस वर्ष लैपटॉप योजना मिलेगी। उनके खाता में डायरेक्ट ही 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लैपटॉप का सारणी देखना है, यानी किन किन बच्चों का नाम आया किन किन बच्चों का नाम नहीं आया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर विजिट करके पूरा का पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CBSE के छात्र लैपटॉप से रहेंगे वंचित, अभिभावक हैं नाराज। प्रतिभागियों के साथ सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं दिए जाने पर संबंधी मध्य प्रदेश सरकार ने दोहरी नीति को देखते हुए यह कहना है कि अभिभावकों का, इसलिए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भी राज्य सरकार ने करीब 5,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप विवरण योजना में रखा, यही कारण है कि विद्यार्थियों में असंतोष है। उनका कहना यही है कि एक ही राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को एक साथ सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए भी 12वीं में परीक्षा में अव्वल आए करीब 5,000 से अधिक छात्र छात्राएं को मध्य प्रदेश प्रतिभाशाली छात्र नहीं माना है, जबकि यह सभी मध्य प्रदेश के निवासी और भविष्य के युवा मतदाता हैं। चूंकि यह मध्य प्रदेश के मंडल के बजाय CBSE द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में शामिल हुई, इसलिए सरकार ने 95% लाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने इनको लैपटॉप सम्मानित करने की जरूरत नहीं समझी। जी हाँ दोस्तों, इनको भी लैपटॉप सम्मानित करने की योजना नहीं समझी। जो CBSE के स्टूडेंट हैं उनके 95% आए हैं, उनको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिंह चौहान के 12वीं परीक्षा % लाने पर सम्मानित किया जा रहा है। इसी विभाग का तर्क है कि स्कूल शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले बच्चों को पैसा सरकार नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों यह योजना 91,000 छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं हमारा नाम है कि नहीं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लें, आपको पूरे हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हम बता दें कि किन किन छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। प्रदेश में करीब 91,000 छात्रों को लैपटॉप दिए जाने हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा सत्र में परीक्षा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा बराबरी 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भोपाल में 4,000 विद्यार्थी शामिल हैं। इस सम्मान समारोह में 10,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। हर जिले से 50-50 बच्चों को बुलाया गया है। यह आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। इसी तरह यह योजना क्या है, यह मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री योजना है जो कि 75% से अधिक बच्चों को दिया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।